की 5,000 क्विंटल की आवक देखने को मिली है। तो वहीं भाव की अगर बात की जाए तो आज 15,000 रुपये ऊपर में सूखे माल के भाव देखने को मिले हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं नीमच मंडी में और जानिए व्यापारियों से कि आज नीमच मंडी में कितनी आवकें देखने को मिली और भाव क्या रहा और साथ में किसानों के पास कितना रखा है स्टॉक। नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में हम मौजूद हैं और अब आप ये देख सकते हो कि ये मीडियम माल है देसी और एक किसान है जो इसको लेके आया है। वो इसके अलावा ऊटी की लहसुन भी लाए हैं और ऊटी का फुलगोला मिक्स है वो, तो उनसे बात करेंगे कि वो कितनी लहसुन लाए हैं और क्या है पूरा मामला। एक मिनट भाई साहब, पहले तो नाम बताइए आप। मैं नंद किशोर कुमावत, बोरखेड़ी तालाब। अच्छा, ये क्या लेके आए हैं आप? ये लहसुन क्या देसी लहसुन है? देसी लहसुन है। क्या मीडियम है? मीडियम है। क्या मीडियम भी है? अभी नीलामी हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई नीलामी। क्या क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद? तो क्या है, यही चल रहा है 13 से 15 तक जो भी मिल जाए भाव। तो बड़ी मंडी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं इधर। अच्छा, आपके वहाँ पास में जावत मंडी भी है तो वहाँ नहीं लेके? वहाँ भी लहसुन? वहाँ भी चलता है ना मंडी? हाँ, तो वहाँ भी चलता है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ और यहाँ में कुछ कुछ फर्क है चलती है कुछ फर्क है 1,000-2,000 का फर्क है। अच्छा, फर्क है। एक और ढेरे अपन वो भी देखेंगे किस तरह का ढेरे क्या है। और ये देखिए, ये फुल गोला मतलब मिक्स है कुल मिला के, इसमें कुछ मीडियम। हाँ, ये फुल गोला बड़े बड़े हो गए हैं और ये छोटा भी है, मीडियम भी है, कुल मिला के मिक्स वैरायटी है ये। और इस ये ऊटी की लहसुन है और मिक्स वैरायटी है। हमारे साथ किसान ये बोरखेड़ी वाले ही हैं, तो इसका क्या उम्मीद है मिक्स का? क्या इसका तो ये सर 15 के ऊपर ही चल रहा है अभी। हाँ। और अभी तो हाल फर्स्ट निकाला है शुरू। हाँ। अच्छा, अभी ये सूखी हाँ, नहीं है, गीली सूखी नहीं है और फर्स्ट छटाई हुई है अभी फर्स्ट। अच्छा। अभी हम लोग 10 से 15 दिन और लगेंगे इसको आने में। आपके बोरखेड़ी गांव में और कितने किसान होंगे जिनकी लहसुन बिक चुकी है या बिकने वाली है? मतलब लगभग 10 किसानों की बिक चुकी है और 50 किसानों की बाकी है लहसुन। अच्छा, जिन्होंने बेची उनको किस तरह का भाव मिला? उनको बहुत अच्छा भाव मिला 25 से 30 तक। अच्छा, पहले बेच दी? पहले बेच दी, क्योंकि वो उन्होंने क्या है मतलब हावण वागी भरी हुई। अच्छा, अभी ये जो भाव डाउन जा रहा है इसके पीछे कुछ कारण बता आपको? इसके पीछे तो यही है कि मतलब गीला माल आ रहा है और कुछ कच्चा माल भी आ रहा है, और किसान भाई अगर कच्चा माल लाएंगे तो व्यापारी क्या करेंगे, वो तो कम रेट में लेंगे ना। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को नॉलेज में आई कि जो माल की आवक ज़्यादा हो रही है जैसा। हाँ, वो भी फर्क पड़ता है। कच्चा भी हो रहा है। और एक चीज़ और भी है कि वो जो किसान आंदोलन हाँ। चल रहा है तो बॉर्डर सील है, तो जो व्यापारियों का माल है वो जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसके भाव डाउन बताए जा रहे। तो इससे नहीं, यहाँ पर भाव डाउन नहीं होते, यहाँ मंडी की है, मंडी समझ लो सबसे बड़ी मंडी यही है, मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में, 200 किलोमीटर के एरिया में। यहाँ गेट लगेंगे तो व्यापारी को लगेगा कि बस माल ज़्यादा आ रहा है। हाँ। तो वो धड़ाक से 5,000 कम कर देंगे। अच्छा, यूँ उनको लगेगा कि बस माल ज़्यादा है। हाँ। तो वो 5,000 तो ऑलरेडी गेट लगे और 5,000 कम और अभी गेट खुल रहे हैं। आज आवक नहीं है, आज आवक इतनी आवक नहीं है तो आज अनुमानित कितनी आवक लग रही होगी आपको? ये तो अनुमानित ज़्यादा नहीं है, 9-10 हज़ार के करीबन है। 10,000 क्विंटल करीब लहसुन कट्टे हैं, मतलब 5,000 क्विंटल लगभग 5,000 क्विंटल के करीब लहसुन मंडी में आई हुई है। तो एक और किसान है लहसुन मंडी में, कहाँ से आए हैं, उनका माल कैसा है, पहले तो उनका माल दिखा दूँ। ये जो माल है इनका मिक्स है और ये शंकर लहसुन है, शंकर लहसुन देसी है ना, तो देसी शंकर लहसुन है। और ये कुल मिला के छोटा माल है, मीडियम और उसके नीचे का भी माल मान सकते हैं अपन इसको। ये है, पहले तो ये बताइए नाम क्या और कहाँ से आया है? बाबू जी, मेरा नाम मुरली सुरावत है, गांव बोरखेड़ा से आया हूँ मैं। और उम्मीद ऐसी है कि 15,000 के ऊपर बिक जाए तो बहुत बढ़िया बात है। शुरुआत की है, कर्जा बहुत माते है बाबू जी, जो बोली लगाने आते हैं ना दिल का दौरा पड़ जाता है ईमानदारी से। ऐसा लगता है अटैक आने में कुछ नहीं फर्क हो रहा है। हमारा भगवान अच्छा लहसुन चाहिए, भाव अच्छा जाना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं हम, किसान लोग हैं। कच्चा माल नहीं है, बहुत पक्का हुआ माल है और लोग कच्चा भी लाएगा क्योंकि भाव बहुत उतरने वाला है। इसलिए बाबू जी बहुत टेंशन होती है हमारे किसान लोगों को। कुल मिला के किसान की जब नीलामी चलती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनको उम्मीद रहती है कि उन्हें उनकी उपज का अच्छा दाम मिले। बिल्कुल, जब किसानों की फसल बिकने के लिए आती है तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि बाजारों में उतार चढ़ाव बना रहता है। फिलहाल लहसुन की कीमतें पिछले कुछ दिनों से हल्की होती दिखाई दी हैं,
लेकिन उम्मीद यही है कि अभी भी लहसुन की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके पास हर रोज़ समय से पहुँचता रहे।